अफगानिस्तान के बगलान सूबे में शदीद बारिश की वजह से अचानक आए सैलाब में कम से कम 65 लोग मारे गए। तालिबान वजारत दाखिला के एक तर्जुमान ने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ने का खदशा है। कुछ घंटों में आए दो जबरदस्त तूफानों ने बगलान के 5 से ज्यादा जिलों को तबाह कर दिया। रात मुलाजमीन और नेशनल आर्मी और पुलिस कीचड़ के मलबों के नीचे मुतासरीन की तलाश कर रही है। सरकार के मुताबिक सैलाब में आम लोगों, घरों और इमलाक को भारी नुकसान हुआ है। कई परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं। शदीद सैलाब वाले इलाकों में बचाव दल और हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, लेकिन रात को अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन नाकाम रहा। सफेद और काले कपड़े में ढकी महलुकीन की लाशें नॉर्थ अफगानिस्तान के मुर्दा घर में रखी गई थी। सैलाब ने राजधानी काबुल को भी मुतासर किया है। जबरदस्त बारिश के बाद रातों रात इलाके में सैलाब आ गया। अफसरान ने मुतासर इलाकों में मदद भेजी, जिससे तंबू, कंबल और खाना शामिल है। साउथ ईस्ट एशियाई मुल्क अचानक आने वाले सैलाब के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि इसे माहौलियात में तब्दीली भी बताया जा रहा है। पिछले महीने भी अफगानिस्तान में शदीद बारिश हुई थी। कई सूबों में अचानक आए सैलाब से तकरीबन 70 लोग और 2500 जानवरों की जान चली गई थी। कम से कम 2000 घर, 3 मस्जिद और 4 स्कूल तबाह हो गए थे। 95,000 एकड़ खेती की जमीन बर्बाद हो गई थी। अफगानिस्तान में 40% से भी ज्यादा लोग खेती पर ही डिपेंड करते हैं।